आज मैं कांजी बड़ा बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो उसके लिए हम दाल ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे मूंग की दाल ले ली हूँ। आप लोग पूरा मूंग की दाल की भी बना सकते हैं या उड़द दाल भी लेकर के बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं धुली हुई मूंग दाल ले ली हूँ। तो हम पहले दाल ले लेंगे, जिस दाल से बनानी होगी मूंग या उड़द की दाल, तो वो दाल ले लेना है। अब यहाँ पे मैं एक बड़ी बर्तन ले ली हूँ। अब हम कप से नाप करके इसमें डाल देंगे। तो कप या कटोरा ले लीजिएगा, उससे नाप करके ले लेना है हमें। तो ये देखिए पूरी भरी नहीं हुई है, थोड़ी सी खाली है। तो अब जितनी खाली है उतनी हम इसमें उड़द की दाल डाल देंगे। तो इसी में हम उड़द की दाल डाल देंगे। तो एक कप मैं ले ली हूँ। अगर दो कप आप मूंग की दाल लीजिएगा तो आधी कप इसमें उड़द की दाल डाल देना है। अब इसे हम पानी से पहले धो लेंगे, दो तीन पानी से हमें धो लेना है दाल। तो इस तरह से हाथ से मसलते हुए दाल को दो तीन पानी से धो करके ले लेना है। तो अच्छे से धो करके दाल मैं ले ली हूँ। अब इसमें पानी डाल करके इसे हम भिंगो करके रख देंगे। तो दो घंटे के लिए इसे भिंगो करके रख देना है। अगर आप लोगों को जल्दी हो, अगर दाल भिंगोना भूल गए हो, तो इसमें गर्म पानी डाल करके रख दीजिएगा। तो एक घंटे में ये दाल अच्छे से फूल जाएगी। मेरे पास टाइम है तो मैं दो घंटे के लिए इसे भिंगो करके ऐसे ही रख दूंगी। देखिए दाल अच्छे से फूल चुकी है दो घंटे में। तो मूंग दाल बहुत जल्दी फूल जाती है, तो ये अच्छे से फूल चुकी है। अब एक हम छन्नी ले लेंगे और इसमें हमें सारी दाल छान करके ले लेना है, ताकि पानी ना रहे, एक्स्ट्रा पानी जो भी होगी वो निकल जाएगी। अब इस दाल छान करके हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि सारी पानी धीरे से निकल जाए, धीरे धीरे आराम से निकल जाए 10 मिनट में पानी। तो इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो देखिए पानी इसमें से सारी पानी निकल चुकी है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा डाल करके मिक्सी जार में और पीस लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें, बिना पानी डाले ही हम इसे ऑन ऑफ करके पीस लेंगे। थोड़ी देर चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर थोड़ी देर चलाएंगे, बंद कर लेंगे, तो ये पीस जाएगी। तो दरदरा ही पीसना है हमें। तो दो बार में मैं पीस करके ले लूँगी। तो देखिए दाल मैं पीस ली हूँ। तो ऐसे हमें दरदरा सा दाल पीस करके ले लेना है। तो ऐसे ही मैं बची हुई दाल भी पीस करके ले लूँगी। तो एक बड़े बर्तन में निकाल लेना है हमें। सारी दाल मैं पीस करके ले ली हूँ। तो देखिए इसमें पानी नहीं डाली हूँ। अब इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। पहले हमें इसे फेंट लेना है 5-7 मिनट, ये दाल अच्छे से हल्का हो जाए, तब तक इसे फेंटना है हमें। तो दाल मैं अच्छे से फेंट ली हूँ। देखिए बिल्कुल हल्की हो गई है, ये ज़्यादा गीली नहीं है। अगर आप लोगों को ज़्यादा गीली लगे तो इसमें बेसन डाल दीजिएगा 2 चम्मच, और इसे अच्छे से फेंट लीजिएगा। बेसन डाल करके आधी छोटी चम्मच हींग डाल देंगे, बिल्कुल बारीक काट करके। 2 हरी मिर्च मैं ले ली हूँ। आप लोगों को अगर तीखा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, या मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब साबुत जीरा हम ले लेंगे, थोड़ी सी आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दी हूँ। अब आधी इंच मैं अदरक कद्दूकस करके ले ली हूँ, तो ये डाल दी हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि हींग अच्छे से इसमें मिल जाए। हींग का पाउडर ही डालना है हमें, पानी में घोल करके डालेंगे तो दाल गीली हो जाएगी, तो इसलिए हींग का पाउडर हम डाल देंगे। अभी दाल हम साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक पतीला में पानी ले ली हूँ, हल्का गुनगुना करके पानी हमें ले लेना है। अभी पानी हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी कटोरा ले ली हूँ और एक कॉटन का हम कपड़ा ले लेंगे। इस कटोरी के ऊपर डाल देना है अच्छे से, और नीचे से इसे हम अच्छे से
घुमा करके टाइट करके ले लेना है हमें। तो देखिए ये बिल्कुल टाइट हो गई है। अब इसके ऊपर हम पानी लगा देंगे थोड़ी सी। अब ये जो दाल मिक्स करके रखी हूँ तो ये दाल ले लूँगी। अब इस दाल को इस कटोरे के ऊपर हम डाल देंगे। तो जितनी छोटी बड़ी आप लोगों को बनाना होगा उस हिसाब से दाल ले लेना है। अब इसे हम हाथ में थोड़ी सी पानी लगा लेंगे और इसे हम गोल कर लेंगे। तो बिल्कुल पतला भी नहीं करना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो इस तरीके से हम फैला देंगे तो ये आसानी से बन जाएगी। तो ये देखिए मैं इतनी मोटी रखी हूँ तो ऐसे में बना लेना है। अब इसे हम हाथ में पलट लेंगे तो ये देखिए आसानी से इसके ऊपर से निकल जाती है। अब इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो ऐसे एक एक करके बनाते जाना है और कढ़ाई में डालते जाना है। गैस पे मैं तेल गर्म होने के लिए रख दी थी तो तेल गर्म हो चुकी है। तो इसमें हम डाल देंगे फिर से हम ये कटोरा ले लेंगे और इसके ऊपर हम एक चम्मच पिसी हुई दाल रख देंगे। हाथ में थोड़ी सी पानी लगा लेना है और इसे इसके ऊपर फैला देना है। तो ऐसे में फैला करके और इसमें डालते जाना है। तो आराम से डालिएगा इसमें ताकि हाथ ना जले। फिर से हम ले लेंगे और ऐसे ही हम बना करके और इसमें डालते जाएंगे। छोटे बड़े जितनी बड़ी आप लोगों को बनाना होगा उसी हिसाब से बना करके ले लेना है पहले। अब पहले जो मैं डाली थी वो देखिए ऊपर आके तैरने लगी है। तो अब हम इसे पलट लेंगे, ये अपने आप ही फूल जाएगी। तो एक बार में जितनी जगह रहे उतनी इसमें डाल देना है। दोनों तरफ से ये अच्छे से पक चुकी है। पलट पलट करके मैं पका ली हूँ तो इतना हमें पका लेना है इसे। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी है, बड़ा बन के तैयार हुई है। तब हम इसे निकाल करके गुना पानी में डाल देंगे। ऐसे ही हमें बड़ा तल करके पानी में डालते जाना है। इसके लिए हम ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेंगे कि बड़ा भी गर्म है तो ये खुद ही और गर्म हो जाएगी पानी। तो ऐसे ही मैं बड़ा तल तल के इसमें डालते जाऊँगी पानी में। तो देखिए साड़ी में बड़ा बना करके तैयार कर ली हूँ, पानी में डुबो दी हूँ। अब एक थाली ले लेंगे हम छोटा सा और इसमें हम डाल देंगे ताकि ये अच्छे से नीचे से दब जाए। अब इसे हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही पानी में डुबो करके रख देंगे साइड में। अब हम कांजी बना लेंगे। तो पानी हमें बना लेना है तो उसके लिए हम सरसों ले लेंगे, पीली वाली सरसों। तो एक चम्मच में बड़े चम्मच से पीली वाली सरसों ले ली हूँ। अब एक मिक्सी जार ले लेंगे, इसमें हम डाल देंगे। और आधी छोटी चम्मच हम राई ले लेंगे। पहले हमें इसे दरदरा पीस करके ले लेना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही हम पीसेंगे और बिना पानी डाले ही पीसना है, पानी नहीं डालना है इसमें। तो देखिए मैं सरसों और राई पीस ली हूँ। तो ऐसे हमें दरदरा पीस करके ले लेना है। इससे पाउडर ज़्यादा नहीं करना है हमें, बस इतना ही पीस करके इसे दरदरा करके ले लेना है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैं एक बड़ी बर्तन ले ली हूँ, इसमें हम 1.5 लीटर पानी डाल देंगे। तो नॉर्मल पानी है, आरओ की पानी है। अगर आप लोगों के पास आरओ की पानी ना हो तो नॉर्मल पानी को आप लोग गर्म कर लीजिएगा और ठंडा करके फिर ले लीजिएगा। तो मैं 1.5 लीटर पानी ले ली हूँ, ना फ्रिज की पानी लेनी है ना गर्म पानी लेनी है। अब इसमें एक चम्मच सादा नमक डाल देना है और 2 चम्मच काला नमक, या आप 2 चम्मच की जगह 3 चम्मच काला नमक ही ले सकते हैं या सादा नमक हो सादा ही नमक। मैं दोनों नमक डाल दी हूँ इसमें। अब इसमें 2 चम्मच हम ये पिसी हुई सरसों डाल देंगे। तो 2 चम्मच सरसों डाल दी हूँ। 1 चम्मच हम भुनी हुई जीरा पाउडर डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच
मिर्च पाउडर डाल देंगे। अगर तीखा आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल दीजिएगा, अगर कम पसंद हो तो मत डालिएगा, अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। अब एक चम्मच छोटी चम्मच से हम हींग डाल देंगे। अब अच्छे से पहले पानी मिक्स कर लेना है हमें। अच्छे से मैं मिक्स कर दी हूँ। अब आधे घंटे हो चुकी है, ये बड़ा भी अच्छे से फूल चुकी है, तो हम इसे हल्का हाथों से दबाते हुए पानी इसमें से निकाल लेंगे। पानी निकाल करके और इसमें डाल देना है। तो आप लोग एक बार मेरे तरीका से ज़रूर बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन अपना रिस्पॉन्स आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो इसमें से पानी में से निकाल करके सारी वड़ा इस पानी में डाल देना है। होली या दीपावली में आप ये बना सकते हैं, इसके बिना होली दीपावली अधूरी है। तो एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा अगर नहीं बनाए होंगे अभी तक तो। तो साड़ी बड़ा मैं इसमें डाल दी हूँ। अब इसे हम ढक्कन से ढक करके रख देंगे, कम से कम हमें इसे 24 घंटे के लिए रख देना है। आप लोग दो दिन पहले भी ये कांजी बना करके रख सकते हैं और बड़ा तल करके इसमें डाल दीजिएगा। अब इसे हम 24 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे, बाहर में ही ढक करके। 24 घंटे हो चुकी है, तो देखिए ये कांजी बड़ा बन के तैयार हो गई है। एक मैं आप लोगों को निकाल करके दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। देखिए ये कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। तो एक बार आप लोग मेरे तरीका से ज़रूर बनाइएगा। अब इसके ऊपर से हम चाट मसाला डाल देंगे तो और भी चटपटा लगेगी ये खाने में। और थोड़ी सी मिर्च पाउडर डाल देना है तीखा के लिए, अगर कम तीखा खाते होंगे तो मत डालिएगा। तो ये हमारी कांजी वड़ा बन के तैयार हो गई। अगर आप लोगों को खट्टा कम लगे तो इसे और थोड़ी देर के लिए बाहर ही छोड़ देना है। अगर नहीं खट्टा इससे ज़्यादा चाहिए आप लोगों को तो फ्रिज में रख दीजिएगा, इसे ये ठंडी हो जाएगी। तो और भी खाने में ये बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी लगेगी।